पांडव रचियता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। यह कहानियां राजस्थान के खसकुण की, जहां दो गांव एक दूसरे के सदिया सदिया से खून का प्यासा है। इन गांवों का नाम है देवगढ़ और लालगढ़। इनमें रहने वाले लोगों का एक ही मकसद है, एक दूसरे की हत्या करना। ताकि इनके पितरों की आत्मा ने मुक्ति मिल सके, शांति मिल सके, और यो अंधविश्वास पर विश्वास करके न जाने कितनी जान चलेगी, कितना घर उजड़ गया, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। पर यो सिलसिलो सदिया से यूं ही चाल तो आ रही है, और न जाने यो खूनी सिलसिलो कब तक चाल तो रहेगा। और आज कई दिनों के बाद ये देवगढ़िया इन लालगढ़िया का हत्या चढ़िया है। घना दिना के बाद में तीन देवगढ़िया पकड़ में आया, घनो मजो आसी। कागलो, आज तीनों देवगढ़िया ने उड़ा दे। आज थारा डोकरा की आत्मा ने शांति मिलेली। तने पतो है
वो टीला रे पाछे थारा डोकरा दी हत्या आ तीनों देवगढ़िया ने की है। सोचे गाई है उड़ा दे माने। देख छोरा, मैं जानू हूं थे मालोगा ने छोड़ोगा को नहीं। या तो मारी बेटी रो ब्याह हो एलिए मैं अठे चले आया और माने पाछा जाबा दियो, और या देवगढ़िया की जबान है मैं मारी बेटी का ब्यारे पाछे पाछो जरूर आऊंगा, और पाछे थे तारा पितरा का तर्पण कर दीजो। कायो को छोड़ दो या उड़ा दो? खत्म कर दे बावलो मत बन गीशा, गहरा कदे पाछा को नहीं आया। अरे मरण आला की आखिरी इच्छा तो यमराज भी पूरी करया करे है, और तू जाने है देवगढ़ियों आपरो माथो कटवा सके है पण झुका को नहीं सके, पण देवगढ़ियों थाना हाथ जोड़ विनती करे कि मारे दोनों बेटा ने जाबा दे या आपरो बहन रो ब्याह कर पाछा आवेगा, बी का पाछा मारी मौत सू तू थारा पितरा रो तर्पण कर दीजिए। काई सोबरा जी काई करा? इको फैसलो तो आपा बड़ा भाई साहब पे ही छोड़ दिया। पकड़ ले चलो आने बड़ा भाई साहब कने, पकड़ लियो आने तीनों देवगढ़िया ने। आ जावे लो मजो कदे जावे है। आ जायो उठ बाहर के नीचे। आ जा बापू, बापू भाग जा तू। बापू भला मत। अरे छोड़ दे मारा डाबरिया ने, इतनो जुलम चोखी बात को नी। बजाओ ऊंची आवाज में बात मत कर, अपार गोली थारा सीना सुपार निकाल दूं लो। और इन देवगढ़ियों की हत्या करने के बाद आज लालगढ़ में खुशियां मनाई जाएगी। जिस तरह हर रात के बाद सवेरा हुए है, दुख के बाद सुख आवे है, उसी तरह सदिया पुराने इस अंधविश्वास का अंधेरा खत्म करने के लिए कोई न कोई रोशनी कदे न कदे तो जरूर चढ़ेगी, जरूर चढ़ेगी। अरे कौन है छोटे ये? भाई साहब देवगढ़िया है। देवगढ़िया तो याने बढ़ई काट के क्यों ना फेंक दियो? आपने कागला को मन पसीज गो, ये वास्ते मैं क्यों रही को फैसलो तो हमारा बड़ा भाई साहब ही कर सके है, ये वास्ते आपका ने लिया आया। क्यों रे कागला बढ़ई क्यों ना मारियो याने? हुकुम मार तो बैठे ही दे तो, पण विनानी एक फरियादी कि मरण वाले की आखिरी इच्छा यमराज भी पूरी करे, और दूजी रानी बात है कि बेटी ने ब्यावरे बाद में एक साथ दोवा ने हाथों मार दीजो। थारी काव का बंद कर कागला, तू अच्छी तरह जाने है कि यमराज मरवाड़ा की आखिरी इच्छा पूरी कर सका, पर जोरावर सिंह दगोड़िया के आखिरी इच्छा कदाई पूरी को नहीं कर सका। अरे बेटी रे ब्याह में तो दुश्मन भी हाथ बटावा है जोरावर। वाह देवगढ़िया वाह। अरे देवगढ़िया तो पूरा बाजार में ढिंडोरा पीटता फिर रहा है कि मैं सर कटा सका पर सर झुका को नहीं सका। अरे पर बात तो सचिया है कि अपनी जान पर बनावे तो शाम दाम दंड भेद की नीति अपना लेवे, और आज दुश्मनी के माए अपनी बेटी तंग ले आया। 3 महीना पुरानी बात भूल गया, जब माँ की बारात पे थे गोड़ियां चलाई। अरे ऊ के अंदर भी तो माँ की बहु बेटियां ही बच्चा है, और आज खुद की जान पर बनाई तो अपनी बेटी ने आगे कर दी। पर मैं देवगढ़िया जत्रो कमीनो कोनी, मैं तारी बात थारी बेटी से जरूर कराऊंगा, पर एक बात पर, बस एक बात को ध्यान रखिए कि तब तक तू थारी बेटी से बात कर सके जतरे थारो बेटो जीव तो है। मगर फोन बात कर बेटे तो चोबरा। हाँ भाई साहब। खत्म कर दो सबने। छोड़ छोड़ मने, छोड़ दे मने, छोड़।
उठा बेटी उठा, फोन उठा ले बेटी। हेलो, मुझे छोड़ दो। मैं छुटकी थारो बापू। हाँ बापू, मैं लाल गड़ियों चौराहे पे खड़े हूँ। काई ठेले को वोटी क्या पहुँच गया? छोड़ दो, गणा फटकर। तारी माई ने कह दीजिए कि थारो बापू अटे फंस गयो है, थाको बा ब्याव करा देवेगी और थारा ताऊ कने 50,000 रुपया पड़े हैं, बैठो लेते आए जी। थारी माँ बीमार रहे हुए बेटा, तू भी ना टेम माई दवाई देती रिजो, क्योंकि थारी माँ ने दवाई देवनी अभी दुनिया में कोनी। नहीं बापू, यान की बात मत करो बापू, यान मत बोलो बापू, थारे बिना मैं कैसे जीऊंगी बापू, बापू बापू मैं थे यार, मत बोल बापू थे, बस वापस आ जाओ बापू, मने बहुत डर लग रहे हो बापू, बापू थे वापस आ जाओ। हेलो हेलो, छोड़ बोले छोड़ छोड़ दे। हेलो हेलो बापू, थे कुछ बोल क्यों नहीं रहा हो बापू? हेलो हेलो बापू, हेलो ये बापू। अरे देखा क्या जोरावा। हुकुम हुकुम हुकुम, कुना छोरी हुकुम, बड़ा अनर्थ हो गया हुकुम। ये बात होगी छोरी, कहीं रो रही है हुकुम। थारे सेवक और मामा पापा ने उन लाल गड़ियों ने बड़ी बेरहमी से मार दियो हुकुम। के हाँ हुकुम, और तो और वी की लाश ने वी खूनी टीला पे फेंक दियो हुकुम। हमारे घर तो कोई नहीं बची हुआ है हुकुम, वास्ते मैं था के सामने फरियाद ले आई हूँ हुकुम। हुकुम मैंने भी एक कार अंतिम दर्शन करा दो हुकुम, मारे बाबा सा और मारे बेटा की लाश दिला दो हुकुम। तू चिंता मत कर छोरी, अब तुम्हारी छोरी है, तू देवगढ़ की छोरी है, मैं भी की लाश लेकर आऊंगी। सुनो, बंदूक उठाओ और गले निकालो। शिबा, लालगढ़ में घुस कर लाशा का उंबान लगाना है, मेरा रास्ता कैया रोके तू? बापू, वह लोगा की लाश ने शिवो अकेलो लावेगो, बस अकेलो। शिवा, जिद मत कर, बाकी लाशा कोई राशन की दुकाना में कोनी है, तू गियो और ले आ गियो। वो लाल गड़ियारी बंदूक रा नीचे है, बठे जावा को काम जिगरा को है, जिगरा को सुने भैया। हाँ बाबू, या तीतर बटेर ने समझा ले, शेर से जिगरा री बात ना करे और जाकर बिचोरी री शादी की तैयारी शुरू करे। बापू, जब तक शिवा है कोई गोली तने छुपी कुछ सके।
और याद रख जो मारा पीछा आबा की कोशिश की तो वह देवगढ़ में आबा के लायक कौन देगा। चुप्पा मने एक एक देवगढ़ के भूत के खून का हिसाब चाहिए। देवगढ़ियों घणो फड़फड़ा रहे है बटी कैसे देखो जी लालगढ़ का मर्द के अलावा हो ना तो शिवा के सामने हो। ए सुने के ए तू आवे या शिवा था के सामने आवे। लागे है काम में आ गयो घणो फड़फड़ा रहे हो मल्ला भी आ लागे है। देव गड़ियो जी यू कहियो वीरा तो गोली वीरा वीरा क्या होयो तने यो कहियो क्यों दोको दोको सोबरा अब काय करा अभी तो इन्हें ले चलो बा कुत्ता ने तो बाद में देख ले शा। देवो सारो देवो इन्हें पकड़ो मारा मना करने के बाद भी आके तू बापू वीरा बापू बापू उठो उठो ना बापू Ha 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 ha
भैया भैया मुझसे दूर ना। अब कौन बचावे ल छम्मत खेलो। भाई जरा बता ने जिंदा को नहीं छोड़ेगो। मारे पास मत आजो, मारे पास मत आजो। कोई हाँ अठे कोई कोनी है बचावा वालो। आने को छोड़ दो। मैं धारी को कह रही हूँ मारे पास मत आज। मैंने बचा लो। इन्हें छोड़ दियो। थे कौन जानो उड़ता की इज्जत करबा देवगढ़ियों का पहला कर्तव्य है। सिब्बा तू बात तो सही कह रहा है लेकिन तू जाने कौनी। ये चोरी तो लालगढ़ियों की है। औरता की इज्जत ने दुश्मनी का तराजू में मत तोलो। अरे कमीनू माँ का घर में भी बहन बेटी है, शर्माना चाहिए थे लोगा ने। शिवा तू बड़ा भाई होबो को नाजायज फायदा मत उठा। याद रख कदी ऊंट पहाड़ रे नीचे तो कदी पहाड़ ऊंट रे नीचे होवे है। और हम वो दिन का इंतजार करेंगा जिस दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आवेगा। चल भैया चल। छरी अब तू अठे सू जा सके है। घबराबा की कोई बात कोनी, गौरी बिल्कुल ठीक है। इमें गौरी की कोई गलती कोनी, गौरी तो ऊट चराबा गई ही टीला पे। उठे कद्दावर के लोग घात लगाए बैठे हैं, जो उन्हें पकड़ ले गया। और गौरी बिल्कुल ठीक है, वह तो गौरी की मारा पितरा ने रक्षा करी, नहीं तो गौरी के काई हो जातो। वो लोग गौरी ने छुया तो कोनी? नहीं, कोई गौरी ने बिल्कुल कोनी छुया। मन ने सारी जाँच पड़ताल कर ली है। आज के बाद गौरी को ऊट चराना बंद। अगर वहां मन ने बाहर कठा भी नजर आई तो मैं उनका टुकड़ा करके किल कौवा ने किला दिवला। जरा और सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सका है पर अपनी इज्जत पर दाग नहीं। चलो रे। अच्छे से ढूंढना। हाँ ओके मैम। इस बार मेरी हेल्प करना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आओ तुम लोग जल्दी। आप में से मिस्टर कद्दावर कौन है? चोरी यहाँ कद्दावर को नाम कोई कोने ले वे। ओके आई लव दिस। कौन है और कट्टे से आई है तू? देखिए बताऊंगी, पहले तो आप अपनी एक गन नीचे खींचे। आई नो आप लोगों को ये सब बहुत सूट करता है। माई सेल्फ इज गंगा मेरी, आई मीन मेरा नाम गंगा मेरी है। गंगा नाम मेरे पापा ने ही रखा था, वो राजस्थान से ही है। एंड मैरी नाम मेरी माँ ने रखा था, सी इज फ्रॉम लंदन। मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, बस इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ। यहाँ के दुश्मनी के बारे में बहुत सुना है, उसी पे डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। आई होप आप सभी लोग मेरी मदद करेंगे। छोरी मेरा नाम कद्दावर सिंह है और मैं यहाँ देवगढ़ का मुखिया हूँ। ओके तो अच्छा आप है मिस्टर कद्दावर, नाइस टू मीट यू सर। एक मिनट। ठीक है छोरी पूछ के पूछना चाहे। कद्दावर जी हम यहाँ सीटीवी से आए हैं,
आपके यहाँ खानदानी दुश्मनी के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने। आई होप आप इसमें मेरी मदद करेंगे। एक मिनट सर, आपको ये कैमरा कैच कर रहा है, पूरी दुनिया आपको देखेगी, तो थोड़ा आपका टचअप करना पड़ेगा। ये टचअप क्यों हुए है? टचअप मतलब थोड़ा लिपस्टिक पाउडर। ओके ओके, आपको नहीं कराना है, आपकी मर्जी है, पर आप टचअप कराएंगे तो थोड़े से और जवान खूबसूरत दिखेंगे। इट्स अप टू यू। जवान, ठीक है छोरी, कर ले। वो गाय बोल रही है तू, टचअप फचअप कर ले। अरे के बोत रही है, तेरे के बोत दिया रही है। अब हमारे साथ है देवगढ़ के मुखिया मिश्रक का दावा सिंह, जो हमें अपने खानदानी दुश्मनी के बारे में बताएंगे, जो काफी वर्षों से यूं ही चली आ रही है। कद्दावर जी, आपकी दुश्मनी काफी वक्त से यूं ही चली आई है, काफी टाइम से अगर मैं कहूं तो जिंदा है, क्या वजह है इसकी? हाँ, देवगढ़ और लालगढ़ की दुश्मनी सदियां से चली आ रही है, सदियां और चलेगी। देवताओं ने हमारे पूर्वजों को भेजे हुए धरती पर सुख शांति और अमन वास्ते, पर यह बात कुछ लोगों ने रास को नहीं आई। वो लोग अलग जगह रहकर हमारे सुख शांति ने हमेशा भंग करते आए हैं, पर टावरन औरतन और आत्मा ने छुप छुप कर भी की हत्या करे है। झूठ फरेबी मकारी भी का खून में रस बस चुकी है। वह दुष्टा के पापा ने मिटाने का वास्ते देवताओं ने अब हमको भेजे है। अब हम जब भी उनकी हत्या करा लाल करियों की, तुम्हारे पिता ने मुक्ति और मोक्ष मिले हैं। बस इतनी सी बात के लिए? ये तेरी सी बात करी छोरे? मारा पितर ऊपर बैठा इंतजार कर रहा है। अरे ऊपर क्या ये करी है? बिन देखने वास्ते मन की साची आके चाहिए जे के मन की साची आ क्या? अब थर समझ में आ गई कहानी? जी समझ में आई। तो ये थे देवगढ़ के मुखिया मिस्टर कद्दावर सिंह जी। इनके हिसाब से इस दुश्मनी का कारण कोई जीते जागते लोग नहीं, बल्कि कुछ पितर हैं जो पेड़ पर बैठकर इनकी मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हैरत वाली बात है, लेकिन सच है। कैमरामैन अमित के साथ गंगा मैरी, सी टीवी। आप यहाँ पे सुने हैं थे लोग लालगढ़ जा रहे हो? ए मैम सर, मैं जानू था लोगों का मकसद ठीक से। वा लोगों ने थारा आबा की खबर पड़ गई थे लोग कठे से आ रहे हुए, तो वो लोग तने जान से मार दवेला। देखिए, हमारी इतनी परवाह करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो हमारी डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं होगी। मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल बोलिए मैम साहब। थे अगर बुरा कुन मानो तो मैं थाके सागे चलूं, ताकि बटे अनहोनी होगी तो मैं संभाल लूंगा। मैं जानू भाई भैया भी, राज तो अतरो कठिन है, मदद की जरूरत तो पड़ती। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे साथ लेकर चलते हैं, और एक लोकल आदमी का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर इन्हें किसी ने पहचान लिया तो? इसकी चिंता आप मत करो, मेरे रहते हुए इसे कोई पहचान नहीं पाएगा। ओके। वाओ चार्ली, तुमने बहुत कमाल का काम किया है। एंड सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बिल्कुल शहरी, क्वाइट गुड। अब चला जाए।
कटवार मंडी में पहुंचा, बाकी तैयारी कर। ये बार भाव चोको है। बेतिया बरस राम राम सा। राम राम सा। मेरा नाम गंगा मैरी है, मैं सीटीवी की तरफ से आई हूँ। हम लोग खानदानी दुश्मनी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। सभी जानते हैं देवगढ़ और लालगढ़ के इस दुश्मनी के बारे में, तो अब मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया भी इसके बारे में जाने। बस इसी सिलसिले में आपके मुखिया जोरावर सिंह जी से मिलना है। आई होप आप इसमें मेरी मदद करेंगे। ये है माँ का मुखिया जोरावर सिंह जी। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। परमिशन है, इजाजत है? पूछ, के पूछना चाहे। तो अब हम खड़े हैं लालगढ़ की जमीन पे। मेरे साथ है लालगढ़ के ढेर सारे लोग और साथ में लालगढ़ के मुखिया जोरावर सिंह, जो हमें बताएंगे इस खानदानी दुश्मनी के बारे में। सर, इस खानदानी दुश्मनी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, बहुत लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ये दुश्मनी अभी भी जिंदा है, ऐसा क्यों? झूठ, फरेब, मकारी, छल और कपट, ये सब देवगढ़िया के खून में रचे बसो है। अरे माँ की नजर माँ की जमीन, जानवर और औरता पर है, और मैं माँ की रक्षा कर रहा हूँ तो कोई पाप को नहीं कर रहा। अरे वो तो शापित है, शापित है। वो लोग जड़ा को कोई पानी भी पी ले तो सीधो नरक में जाया करे है, नरक में। लालगढ़ को हर एक आदमी को एक ही फर्ज और एक ही कर्तव्य है कि देवगढ़ को की धरती बहु नामो निशान मिटानो। अरे माँ का पितरा ने शांति मिलेगी और यह जल्दी थारा करे खबर पहुंचेगी कि यह दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी है। तो क्या इस दुश्मनी को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, इस दुश्मनी को खत्म करवा को मतलब है कि अपनी पीठ पर छुरो घोपो। अरे वहाँ अलग अलग तरीका सु बस बदल लेवा की सोचा है। आप चुप क्यों हो गए सर? यू कुड़ है मेरा कैमरा मैन है मार्क। और वो चार्ली। और यो अब इसका नाम अब इसका नाम तो अब यो कुड़ है तने पतो कोनी। मैं बताऊ तने यो कुड़ है। यो देवगढ़ियो है। और आज फिर अपनी आदत के मुताबिक माँ की पीठ पर चुरो घोपा आयो है, लेकिन यह भूल गयो कि यो लालगढ़ की जमीन पे खड़ी है जोरावर सिंह के सामने। और आज मैं था सबको सर काट कर देवगढ़ की सीमा पर लटका दूला, ताकि कोई भी देवगढ़ियो उसे हरकत करवा की पहले 100 बार सोचे। 100 बार छोटिया। हाँ भैया, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो,
हमें माफ कर दो, हम तो एक मामूली न्यूज रिपोर्टर हैं। हमने जाने तो हम वहाँ भी रिपोर्ट लेने गए, यहाँ भी रिपोर्ट लेने आए। हमें माफ कर दो, हमारे दुश्मनी से कोई भी लेना देना नहीं है। लगा निशानों ही देवगढ़िया पर। छोड़ दो उसे। चार्ली, तुमने उसे गोली मार दी? इन्हें भी उड़ा दे। तुम आदमी जानवर हो, क्यों मार रहे हो उन लोगों को? क्यों 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 उसे क्यों मार? जानवर! रुक जा! इन्हें सिर्फ मैं मारूंगा, मैं। ये असली देवगढ़िया है। रुक जाओ, छोड़ दियो इन्हें। तू क्या सोच रही हो कि जोरावर सिंह की जमीन पर आर और तू जिंदो जा सके? आज तक कोई भी अठो जिंदो को नहीं गयो। मगर ये शिवा जावेगा जोरावर, या शिवा थारी धरती से जिंदो जावेगो। जो रोक सके तो रोक ले। देवगढ़िया भैया, ये मारी बहन है। अगर मारी बहन के जरा से भी अच्छाई तो पूरा देवगढ़ ने जड़ा कर राख कर दूला। भैया मैंने बचाओ। भैया छोड़ मने, छोड़ दे। भैया 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 तू जोरावर के बहाने है। जोरावर की बहन है तू? शाबाश, जीव तो रे मारा लाल। आज तूने कत्तावर को सर सम्मान सोचो कर दियो। अरे जोरावर की बहन लाया है तू? छोटे अब जोरावर ने मालूम चा लगा कि अपनों के मरने का गम के होवे। अब तक तो वो हमारा साथियों ने मरवा तो आयो है, पर अब जब बाकी फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर कर जेल गवाने खुआ दूंगा। अब तक तो सिर्फ सुनो था कि देवगढ़िया पीछे से वार करे है, पर आज देख भी लियो कि वो अपनी जान बचावे खाते औरत के पल्लू का सहारा भी लेवे है। अरे,
थारे पल्लू का सारा ई लिए लिया ताकि लालगढ़ में और खून ना पहे, वरना कसम अकल मैया की, लालगढ़ के मर्दों के लिए तो शिवा अकेला ही काफी है। गौरी अपनी जान दे देली, लेकिन था लोगों के इरादे कभी पूर्ण को नहीं होने देगी। जान तो तने देनी ही पड़ेगी छोरी, क्योंकि आज तक कोई भी लालगढ़िया देवगढ़ की जमीन सुजिंदा कोनी लौटा, और तू तू तो लालगढ़ की धरती पर जन्म लियो है, तरे तो मरनो ही पड़ेगो। बापू, एक बार पहले भी इकी जान मारा हाथा सु बचाई सी, पर अब या छोरी अठे से बचकर कोनी जा सके है। या छोरी जिंदा जावेली बापू, क्योंकि यह शिवारी इज्जत का सवाल है, और शिवा कभी कुन चावे को ये कि बी के माथे पे कलंक लगी शिवा ने किसी छोरी के पल्लू का सहारो लियो, या मरेगी जरूर पर अठे को नहीं, लालगढ़ की धरती पर। शिवा भैया, तू क्यों ही छोरी के मुंह लागे है, इसो तो मैं निपट लेवेंगा, तू फालतू अपनो वक्त क्यों बर्बाद करे है, इन्हें तो मारे लिए छोड़ दे। भैया, बापू भी तो यही चावे है ना, इस छोरी के शरीर का टुकड़ा कर फेंक दे, तो ये काम हम दोनों पे छोड़ दे। चीता, या छोरी ने सुरक्षित जगह पर छोड़ा। सिब्बा, बच्चा जैसी बात ना कर, मैं हाथ से आया मौका कोनी जावा देवेला। खबरदार, जो मारे बीच में बोले तो। थे हो देवगढ़ के बहादुर जो अपनी जान बचावा खातिर औरत के पल्लू का सहारा लेवे। मैंने जो कुछ किया थारी जिंदगी बचाने के लिए क्यों है? अरे इंसानियत का इतना ही बड़ा दम भर हो तो अपनी जान बचावे खातिर मारे पल्लू का सहारा लेते हुए थाने शर्म को नहीं आई? अरे था के लोग मने छोड़ भी दियो तो के, मने तो अपने लोग ही मने मार डालेंगे, क्योंकि क्योंकि मैंने था की जमीन पे सांस लियो है, था की जमीन पे। मारी वजह से थारी जिंदगी खतरे में पड़ी, मारी वजह से थारी जिंदगी बर्बाद हुई, पर मैं क्या करता, मने वो बखत जो बात ठीक लगी मैं वही क्यों, मने जो ठीक लगी मैं वो क्यों, मैं थारो पापी हूं, थारो गुनेगार हूं मैं, पर तू जो चाहे मने सजा दे सके, मैं ताने तारी जिंदगी कुल लौटा सकूं, पर तू तू शिवा शिवा ने सजा दे सके है, ये ले तलवार उठा काट डाल शिवा की गर्दन नहीं। अगर थे मुझ पे एहसान ही करना चाहो तो मारे को मारी जमीन पे छोड़ दे, ताकि मारी आखिरी सांस मारे अपना के बीच निकले। ठीक है छोरी, अगर यही थारी मर्जी है तो मैं तने थारी धरती पर छोड़ूंगा, यो शिवा को वादो है। और सुनो, आज के बाद अपनो ये चेहरों मुझे कभी मत दिखा जो, क्योंकि नफरत करूं मैं था के चेहरे से, नफरत। Ah!
बस रोयो बेर, जाने कद सू चाल रो आपस रोयो बेर, अवसर मत कर जो दे। Thank you.
मैं जाना हूँ, देवगढ़ का पानी पीवो और एक रात गुजारबा के बाद मारे घर वाले माने जिंदा को नहीं छोड़ेगा। मैं कोनी जानू थे कौन हूँ, था का नाम के है। माँ के बीच एक बहुत गहरा दुश्मनी को रिश्तो है। पर अगर तू अपने आप ने मने सौंप दे तो थारी सौगन सदिया पुरानी या दुश्मनी ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दू। पर ई कहिया संभव हो सके है? मारे से ब्याह रचा थारो मारो ब्याह या दुश्मनी ने रिश्तेदारी में बदल देवे और फिर गुमनाम मौत से तो छोक है जीता जी या दुश्मनी ने खत्म कर देवे। अगर मारी जिंदगी से लालगढ़ और देवगढ़ की सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म हो सके है तो मने था की शर्त मंजूर है। सोच ले छोरी, या दोनों बात जान थारो फैसलो बदल तो कुन जावे। गौरी का फैसला कोई सूखा पत्ता कोनी जो हवा के झोंकों से टूट जावेगा। ये तो वो पहाड़ की तरह मजबूत है जो चाहे कितना आंधी तूफान क्यों ना आ जाए पर ये अपनी जगह से कोनी हिलेगो। अरे आरती उतार थर लाट लगी छोटे। दुश्मन की बेटी ने ब्याह लायो है ये। अरे बुरे गांव की छोरा तो या के वास्ते मर गई थी। पूछ सुमित्रा पूछ, काई मर्जी थी कहीं मजबूरी थी यहाँ की जो ये दुश्मन की कुल लकड़ी सो ब्याव कर लायो ही है। अरे पूछ जैसे मारा पित्रा पर कहीं अकालिक पोती है ये। मजबूरी है बापू, सदिया पुरानी ये दुश्मनी मजबूरी है। कई घर बेघर हो गए या मजबूरी है, कई बेकसूर लोग मारे गए या मजबूरी है। जी लोगा ने मारो काय कुन बिगाड़ो बी लोगा के मैं लो खून के प्यासे हो गए बापू या मजबूरी। अरे दुश्मन की बेटी से मैं ब्याह रचा लायो क्या मजबूरी है, ताकि सदिया पुरानी ये दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाए और या दुश्मनी ने मौत आ जाए। दुश्मनी की बात कर रहा है ये सुमित्रा। अरे जो दुश्मनी ने हमारा देवता ये चांद ये सूरज ये धरती ये पाताल ये पर्वत नहीं मिटा सके वो दुश्मनी जो हमारा मान है हमारा सम्मान है सब देवगढ़िया को जीवा को मकसद है भी दुश्मनी ने या अपने मामूली सा रिश्ता रेशम की डोर से मिटा देनो चाहे है। अरे शिबा, अरे तुझ पर तो मन ने घनो नाज था रे। अरे तू तो पूरा देवगढ़ की शान था। अरे तू जाने है देवगढ़िया सर कटा सके है पर सर चुका को नहीं सके है। अरे थारा मुंह पर जरा भी ये केरत है तो पकड़ ये तलवार और ये छोरी का टुकड़ा टुकड़ा कर दे और फेंक जाओ खून टीला पर
तक ही वो जानवर वेशी दरिंदा में एहसास हो कि ये देवगढ़ी है कदी लाल गड़ियों की गलती न माफ को नहीं करे है। मारबा के लिए प्याव रचाबो जरूरी कोनी। अब यह मारी लुगाई थारी बहू है बापू, के बाता करे है तू है? अगर वो लोग मालोगे के आदमी ने मारे हुए तो मैं लोग भी लोगे के आदमी ने मारे हुए, बदले में कोई प्रेम री मिठाई कुन खिलाई बापू। जतरा पापी वो लोग है वतरा पापी मैं लोग भी है। या दुश्मनी ने छोड़ दे बापू, ताकि ताकि मैं लोगा की संतान खुली हवा में सांस ले सके बापू। ए बापू, मरा हुआ लोगा के लिए जिंदा लोगा ने मारने को कठे को इंसाफ है बापू, कठे को इंसाफ है। सुमित्रा, यो जो सामने खड़ा है कौन है ये? जब हमारा पूर्वजा की बात न रखे, मारे पिता को कलंकित करे, या कद्दावर की औलाद कौन हो सके? कौन का पाप है ये? बापू, छिपा! जब और कहो तो बाकल मैया की सौगंध या बंदूक की सगली गोली थारा सीना में गार पाहो पड़ू हूं ताके हाथ जोड़ू हूं, रहम करो ये पर बेटा के पर बंदूक तान ली। अरे इन्हें माफ कर दियो, ये की जो सजा वा मन ने दे दियो, मारी जान ले लो, पर इन्हें माफ कर दियो। सुमित्रा चुप। अरे मैं तो आयजत की देख ही रही हूँ, ये घर में मार दो काट दो करता आदमी आने, और घर में रोती बिलकती लुगाई आने, छोटा छोटा टाबरा ने डरता से सकता ने घड़ा ही लांछन लगाया थे, पर मैं कदी जुबानी को नहीं खोली। आज मैं मारो हक मांगू हूँ, मारा बेटा ने माफ कर दो, इन्हें अपनी जिंदगी जेवा दो, इन्हें जावा दो, मैं था के हाथ जोड़ू था के पगा पड़ू मैं। कि मारा सब्र का बांध टूट जावे, यासु बोल दे कि मारी नजरा से तोड़ चली जावे, या दागी कलंक की थोबड़ा मारी आँखा से दूर ले जा। सुमित्रा जा, ये दुनिया से दूर जा, मारा लाडला जा। चलो अठे तो दूर दूर तक कोई लाश नजर को नहीं आवे। हाँ, गोरी री लाश तो नजर ही नहीं आ रही कठी। लागे है गोरी जिंदा है। चलो अठे से। शिवा बेटा। अरे माँ, माँ आई है। चलो माँ, ढो दी हूँ माँ। जीते कहिया हो माँ, अथे रात तू तो कौन से मिलवाई? बस बेटा, था लोगा सो मिलबा को मन करे हो सो आगी ले बिंदुनी, ये गहना हर सास अपनी बहू के लिए संभाल रखे। मैं थने पूरा रीति रिवाज के साथ तो याने कोनी पहरा पाई, पर मारो आशीर्वाद थारे साथ है। माँ, एक माँ का आशीर्वाद तो बढ़कर दुनिया में कोई भी रीति रिवाज कोनी होवे है। थे मारे लिए अत्रो कष्ट के बाद ही गहना ले राई,
मारी तो जिंदगी सफल हो गई। माँ, मैंने अपनी माँ को नहीं देखी, लेकिन आज वे होती तो बिल्कुल आप जैसी होती। मारा पासा कर, मारे दिल को बोझल को कर दियो। चिता बेटा जा, माँ को छोड़ गया जा बेटा। बाबूजी ने पत्तो चलो को तो तू जा चिता, माँ को छोड़ गया। घूमते हूँ माँ, माँ आशीर्वाद दियो, आशीर्वाद दियो। कतरा दिन हो गया मने? 5 दिन हो गया है जोरावर तने। आज 5 दिन से तू बेहोश है। या तो पितरों को शुक्र है जो तू आज मौत के मुंह में से वापस आ गयो है। 5 दिन मैं मौत के मुंह में हूँ पाचो, को नहीं आयो? मने पितर भेजियो है। मैं 5 दिन व्या के लारा रहे हूँ, व्या की दुख तकलीफ देखी, व्या की मौत को बल्लो लेना जरूरी है ताकि वहां की आत्मा ने शांति मिल सका। भैया अब आप बिल्कुल चिंता न करो, अब आप ठीक हो गया हो। अब आप मिलके एक एक पूर्वजा की मौत को बदलो जरूर लेवांगा। सौगरा ठीक कह रहे हैं जोरावर भाई। नहीं, गौरी की मौत को बदलो लेना भी जरूरी है। गौरी जिंदा है जोरावर। तुम्हारी होश में हवा की खबर सुन के वो आई क्यों कोनी? कठे है आप गौरी? गौरी अठे कोनी है तो कठे है गौरी देवगढ़ में। के बोले तू? बोल दे के यह बात झूठ है, वरना थारो सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर आप मने बख्श दो तो मैं कुछ कहूं। बोल, कई बोल बो चावे है तू? बेटी रो अपहरण करे पाछे बिकी लाश नबे टीला माते कोनी फेंकी, छान बीन में पतो चालो है कि कद्दावर रो बड़े बेटे ने गोरी को कैद कर राखी है। काका, ये बात सांची है? बात तो ठीक के वह जोरावर, बात तो आईया की है। तो फिर आप लोग काय कर रहे हैं? क्यों ना ढूंढी आप लोगों ने? जोरावर, गोरी की जान से ज्यादा तो थारी जान कीमती ही, वरना लालगढ़ पूरो को पूरो बर्बाद हो जातो। भैया अब आप गोरी री बिल्कुल चिंता मत करो, आप ठीक हो गया हो। लालगढ़ रे सर हूं बहुत बड़ो बोझ उतर गया है। अब आप रही छोटा भाई पे तो विश्वास रखो, गोरी ने तो मैं अकेलो ही लालगढ़ से लियाऊंगो। लेकिन तू लालगढ़ अकेले कोनी जावे लो। गोरी बीरा थे अठे? गोरी मने तो तू बहुत खुश नजर आ रही है। मैं तो सुनियो कि सिब्बो तने कैद कर रखियो है और देवगढ़िया तेरे ऊपर जुल्म और अत्याचार कर रखिया है। बीरा मैं अठे एकदम खुश हूँ, या लोगों ने माँ पे कोई भी जुल्म और अत्याचार कोनी करे हो। पर थारा माता पे सिंदूर, गला में मंगलसूत्र और हाथा में चुड़लो, मारे कुछ समझ में को नहीं आ रही हो? बीरा मैं जानू हूँ, देवगढ़ आवा के बाद सब लोगों ने मने मारवे की कोशिश की, लेकिन कद्दावर का बड़ा बेटा शिवा वहां ने मारी जान बचाई। मारी जान बचावे के लिए उन्हें अपने सारे कबीले वालों से दुश्मनी मोल ली, और ई दुश्मनी ने खत्म करवा के लिए माँ दोनों ने ब्याह रचा लियो ताकि ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। बीरा शिवा भी दुश्मनी ने खत्म करवा चावे है। क्या बावड़ापना की बात कर रहा है?
जो रावण ने पतो लागियो तो तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देसी। तने के लागे शादी करबो वा दुश्मनी खत्म हो जैसी। नहीं होली, लेकिन कोई ना कोई ने तो कोशिश करनी होगी। ये खून खराबो से की को भलो होवे है। बीरा, जब ते छोटा हा तो थे ही मने कहता हा कि या दुश्मनी की के लिए, और आज बड़ो होके थाने ही अपने हाथ में तलवार थाम ली। बीरा, ये दुश्मनी ने खत्म करवा के लिए महारा साथ दे। आपनी बहनरी मदद कर बीरा, मदद कर। मारी या छोटी बहन अतरी बड़ी होगी है। अच्छा री या बाता मारी आँखियाँ खोल दी है। और आजू ये जंग में तू अकेली कोनी, थारो यो भाई तेरे सागे है। और उके लिए चाहे मने मारी जान भी क्यों न देनी पड़े, अब तू चिंता मत कर बहन। थारो यो भाई इनेक काम में हमेशा तारे सागे। अच्छा बहन, अब मैं चालू। आपनी बहन ने आशीर्वाद कोनी दोगे बीरा? माता रानी तने खुश रखे, और मैं घर जाके भैया से बात करसू। माता रानी चाहिए तो बेबी मान जासी। खुश रहो बहन, चालू हूं मैं। खुश रहे बेटी। गौरी? अरे थे वो बीरो आयो। काय कहवा की जरूरत को नहीं, मैं सब सुन लियो। शोभरा, तो खुशी खुशी यह खबर लायो कि माँ की बहन माँ का दुश्मन का घर में घर बसा लियो। अरे डूब के मरना चाहे जब इन्हें, अरे बिना शर्म नहीं आई? अरे जी दुश्मना ने मारबा खातिर मैं दिन रात जागा हाँ, भाभी के घर में घर बसा लियो। अरे जदवा थारा सामने हाथ में चूड़ा, मांग में सिंदूर और गला में मंगलसूत्र पहन के आई, जदो थारी तलवार सू बीका टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं कर दिया? भैया गोरी ने सुहागरा कपड़ा में देकर खून तो मारो घने खोले हो, लेकिन गोरिया शादी कोई कोई दबाव में आके को नहीं करी, बल्कि वास्ते करी कि लालगढ़ और देवगढ़ के बीच की दुश्मनी खत्म हो जावे। और भैया गोरी नहीं बल्कि उनको पति सिवा भी आई चीज चावे कि आप आई दुश्मनी ने खत्म कर दिया। या दुश्मनी खत्म जब तक को नहीं हो सके, जब तक देवगढ़ को हर एक जवान बूढ़ो बच्चो जड़ से समाप्त को नहीं हो सका है। मरियोड़ा आदमी रे बदला रे खातिर जिंदा आदमी ने मार बा को कटे को इंसाफ है भैया, कटे को इंसाफ है। वो मरिया कोनी, वे ने मारिया है भाई, मारिया है। अपना घर का टाबर टाबर ने अगर सुरक्षित देखना चाहे है तो देवगढ़िया को मरना जरूरी है। पहले वे अपना आदमी ने मारेगा, फिर आपा वाका आदमी ने मारेगा, फिर वे अपना आदमी ने मारेगा। और सिलसिलो कटा तक चाल तो रसी भैया, कटा तक। इस सिलसिला ने खत्म करना है भैया, इस सिलसिला ने खत्म करवा को एक ही रास्ता है, और वो है प्यार। मने तो लागे भैया गोरी जितो भी काम करियो है बिल्कुल सही करियो है, आपा सब लोगा ने मिलके ये दुश्मनी ने खत्म कर देनी चाहिए और गोरी को साथ देनो चाहिए। चोटिया, अगर यह बात थारी जगह कोई और करी होती तो बी की लाश जमीन पर पड़ी होती। आप रही डर रही वजह लोग आप रे सामू ऐसी सारी बात को नहीं करे, लेकिन आज आप रो छोटो भाई ये डर ने हमेशा हमेशा रे वास्ते त्याग दियो है, और आज मैं ये बेवजह दुश्मनी ने खत्म करूं हूं। यीशु पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मारो भाई है, या बंदूक उठा ले मारा भाई, मारा सबर और इम्तिहान मत ले, उठा या बंदूक उठा। यह बंदूक को नहीं उठेगी भैया, यह बंदूक को नहीं उठेगी,
बचपन ले रबार तक इन नफरत की वजह मैं औरता ने रो तो बिलक तो देखो बाग के हाथ की चूड़िया टूटती देखी। अब और देख बाकी हिम्मत कोनी भैया, हिम्मत कोनी। तारी बाता से मने बगावत की बू आ रही है। अरे जोरावर को भाई कायर कोनी हो सका है। बंदूक उठा भाई, बंदूक उठा। यह बंदूक कोनी उठेगी भैया, यह बंदूक कोनी उठेगी। बंदूक उठा भाई, मैं थारो भाई होबा के साथ साथ लालगढ़ को मुखिया हूँ। अरे मैं बारा भाई की कुर्बानी बर्दाश्त कर सकू पर लालगढ़ के माथा पर कलंक नहीं। बंदूक उठा ले मारो भाई, बंदूक उठा। भैया पहली बार तेरी बाता में प्यार, आख्या में आंसू और चेहरा पे चिंता नजर आई है। लालगढ़ में आज तक नफरत की खातिर लोग मरता और मारता आया, लेकिन पहली बार आज आपरा भाई ने नफरत खत्म करबा के वास्ते सही तो जान दो। गोली चला दो भैया, गोली चला दो। भैया तारे से घनो प्यार करू। गौरी अठे घड़ी के सोच रही है? तने देख लागे है तू कुछ कहना चाहे मार से। आपको दिल जितनो बड़ो है आपका दिमाग भी उतनो ही तेज है। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँ। तो कहो। कई बरस पहले मारे माँ बाबूजी और कुछ लोग मारे गए। वो दिन कल को ही दिन है, काल माँ बाबूजी के श्राद्ध के दिन महारा सब परिवार एक साथ कठा हुए है। मने लागे है काल को दिन बिल्कुल ठीक है अपनी बात रखने को। मैं कुछ समझो कोनू। जी मकसद के लिए हमने ये ब्यारा चायो लालगढ़ और देवगढ़ की दुश्मनी खत्म करबा के लिए। अब वो वक्त आ गयो है, आप मने इजाजत दे तो मैं कल माँ बाबू जी के श्राद्ध में अपनी दोस्ती का प्रस्ताव रखू। गौरी मैं थारी भावना की कदर करू हूँ पर मने लागे है ये बात के लिए वक्त ठीक होनी। मैं लोगों ने बार और इंतजार करना चाहिए। अगर कल माने ये प्रस्ताव अपने समाज के सामने ना रखियो तो फिर ये मौका एक साल बाद आवेगा, क्योंकि माँ बाबूजी के श्राद्ध के दिन ही सब रिश्तेदार एक साथ इकट्ठा हुए है। शुभ काम में देरी कोनी करनी चाहिए। और अभी अभी तो भाई साहब जख्मी है, अगर वाने होश आ गयो तो वो इस प्रस्ताव ने कभी मंजूर कोनी होने देला। नहीं गोरी, काल तक तो दुश्मन की छोरी थी पर आज आज शिवा की लुगाई है। थारी रक्षा कर बो शिवा को फर्ज है, भी को धर्म है। मैं तनी एकलो कौन जाबो दूं, कौन जाबो दूं। ये प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मारे प्रेम से ज्यादा कीमती लालगढ़ और देवगढ़ की लोगों की जिंदगियां हैं। माँ लोगों ने ये ब्याह इन नफरत ने खत्म करबा के लिए कियो है, और आज वो वक्त आ गयो है हमारा प्यार स्वार्थी कोनी। थे मने जावा की इजाजत दो, मने जावा दो। गौरी
कोई देवगढ़ को पानी भी पीवे है तो वो लोग बिना बेरहमी से मार देवे है। और तू तू तो दुश्मन के साकी प्यार रचाई है, तने तो माफ कुन करे, कदे माफ कुन करे। नहीं, मैं तने बटे जाबा की जसत कुन दूंगा। पर मारी बात वो सब तो ठीक है, लेकिन अब थे मान भी जाओ और मने जाबा की इजाजत दो। ठीक है, तू अगर जाना चाहे तो थारी मर्जी, पर मारी एक शर्त है। कई था के सागे मैं भी चलूं। कैसी बातें कर रहे हो, आपके जावे से बात बिगड़ जावेगी। अरे बात नहीं बिगड़नी होगी तो थारे जावे से भी बात बिगड़ जावेली। और वो लोग चावेला बात ने बढ़ाना तुम्हारा जावा से भी कोई फर्क नहीं पड़सी। मैं दोनों मिल बिलोगा ने समझावेला। और वहीं भी देवगढ़ सु आज तक कोई व्या के पास प्रेम रू संदेश लेर कुन गयो। मैं अटल फैसलो कर लियो, जावेला तो मैं दोनों साथ जावेला। ठीक है ठीक है, आप रो हुकुम सा रख यहाँ पे। चलो मारो रास्तो क्यों रोक्यो है बापू। यो रास्तो लालगढ़ जावे छोरा। और मैं लालगढ़ ही जा रहा हूँ। मारा माथा पर कलंक लगाने नहीं, थारा माता के कलंक ने मिटावा जो सदियों से लाग रही है। अरे जीने तू कलंक बोल रहे है, वो कलंक कोनी देवगढ़ की आन बान शान है। और तू देवगढ़ की शान कलंक की क्या बजा रहे है? कद्दावर नहीं जाने देगो। आ शिवा ने कोई कोनी रोकेगा बापू, रोक सके है तो रोक ले, पर शिवा लाल कर जाके रवेगा। अपना अहंकार से बाहर निकल बापू, आ शिवा लालगढ़ और देवगढ़ की दोस्ती के लिए जा रहे है। आ शिवा ने कोई कौन रोक सके, तू हट मने मत रोक, मने जावा दे बापू। अरे तू मौत न गले लगाने जा रहे है, वो लोग थारा शरीर के टुकड़े टुकड़े कर चील कवाने खुआ देंगे। अरे वो प्यार की भाषा नहीं जड़ है रे। आ आ आ लोटा,
आजा। शिवा वापस कोनी लोटे को बापू। जब तक ये सदिया पुरानी दुश्मनी खत्म कुन हो जावे शिवा वापस कुन लोटे को। और अगर ये दुश्मनी शिवा की मौत से ही खत्म होवेली तो शिवा ने अपनी ये मौत मंजूर है। बापू इन्हें जाने दे। जब इको सर धड़सु अलग होवेगो तो इके समझ आवेगी। और शिब्बा थारी लाश कोई देवगढ़िया कोनी लेड़े आवेगो। थारी लाश बटे ही पड़ी पड़ी सड़ जावेगी। भगवान कृष्ण भी शांति रो संदेश लेर हस्तिनापुर गया हा। पर महाभारत कोनी रोक सक्या। सिब्बा यो तेरो शांति रो संदेश लालगढ़ और देवगढ़ी महाभारत को भी कोनी रोक सके है। जितना जतन करना है तू कर ले भैया। हाँ अब महाराज जीता जी ये महाभारत कोनी हवेली या दुश्मनी के तांडव ने हमेशा हमेशा के लिए शिवा खत्म कर देगो। शिवा तन्ने लालगढ़ ही मरनो है तो मर, पर एक बात को ध्यान रख जे, थार ये बेकार की कोशिश दुश्मनी ने खत्म को नहीं कर सके है। दुश्मनी ने खत्म नहीं कर सके है। तपती हुई रेत पर बरसात की पहली बूंद ने फना होना पड़े है बापू। पड़ी के बाद इके बाद जो बरसात बरसेगी तो ऐसी बरसात बरसेगी कि सदियां पुरानी ये दुश्मनी ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देवेली। आज शिवा ने मत रुक बापू। आज शिवा ने मत रुक। आज शिवा को भाई थे इन्हें लाख समझायो परी की समझ में कोनी आई। अब यो लालगढ़ जावेगो और अपने सगला को मुख कालो करके आवेगो। मेरो खून खोल रियो है भाई। मेरो खून खोल रियो है। इब के करनो है भाई। छोटे घबरा मत छोटे। या छोरा का अरमान पूरा नहीं हो सके है। कद्दावर यहां का अरमान पूरा नहीं हो देगा। अपना पगाना बढ़ाई रोक दे। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ायो। बीरा मैं गौरी था की बहन ही है कोनी। मारी बहन तो 20 दिन मर गई। ये दिन मारा माँ बाप का कातिला का लारा ब्याह रचायो और आज जो मारा सामने खड़ी है वो मारी दुश्मन है। दुश्मन मैं जानू हूँ थे था के दुश्मन ने कभी माफ कोनी करो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी जान की बाजी लगा के था के सामने आई हूँ ताकि ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। दुश्मनी खत्म करने आई ही वह भी हाथ में बंदूक लेकर। यालो फेंक दी बंदूक। मारो नाम शिवा कद्दावर को बड़ो बेटो। महलोक सदिया पुरानी या दुश्मनी ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आया है। थारी उम्र कतरी है रे छोरा। जतरी एक दुश्मन की गोली मारा सीना से दूर है। दुश्मनी की उम्र बहुत लंबी है। सदियां बीत गई। मां का कई पूर्वज अपनी जान गंवाई है। जब जब भी लालगढ़िया ने देवगढ़िया से संधि की बात करी है विश्वास की बात करी है तब तब मां ने धोखो दियो है। आज भी मां ने थारी बाता पर विश्वास कोनी है। थारे में कोई न कोई षड्यंत्र है। थारी बाता से चल और कपट की बू आवे है तो खून खराबा के खिलाफ कैया हो सके है मारी समझ में कोनी आवे। खून बहानो तो हमेशा लालगढ़ और देवगढ़ की शान है। फिर तू
अपनो सर झुकाकर क्यों खड़े हो? मैं तो दुश्मन के सामने अपनो सर झुकाबा से बढ़िया तो अपनो सर कटाबो बढ़िया समझा हाँ। अगर थारा आबा में कोई षड्यंत्र है इक पक्ष है तो मैंने बता दे थारी मौत आसान हो जावली। ते लोग गलत सोच रहे हो, मैं कोई षड्यंत्र को नहीं कर रही हूँ। अगर मारे मन में कोई षड्यंत्र की भावना होती तो मैं मारी बीवी ने मारे भाई ने ठीक क्यों ले रहा तो? थे सोचो मैं सिर्फ संधि चाहूं या दुश्मनी ने हमेशा हमेशा खत्म करना चाहूं, मारो भरोसा करो। या तो असंभव है, थे लोग गद्दार हो, थे पहले भी अशोई घनो धोखो करियो है, अब भी साची साची बता दे थारा बा को काई कारण है बता दे, नहीं तो बहुत तकलीफ हो वाली। छुराओ हाथ पांव तोड़ दही का। दे चलो बीरा छोड़ दे ना। चल ठीक है, मैं तने एक मौको और दे हूं, अब भी अगर तू थारा आबा को कारण बता दे तो मैं तने और थारा लोगा ने छोड़ सकूं। कसम वाकल माता की, मारो आठे आबो को एक ही मकसद है, या कबीला की सदिया पुरानी दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मारो विश्वास करो, मैं अठे प्रेम रो संदेश ले रायो हूं, कोई छल कोई कपट कोरी, मारो भरोसा करो। चल ठीक है, मैं तने एक मौको और दे हूं, अब भी तू साची साची बता दे थारे आने को कारण काई है तो मैं थारा लोगा ने छोड़ देसी हूं। जल्दी चलो, देखा जल्दी गया होगी। फिर भी थार को लागे है शिवा थारे सागे कुछ छल कपट कर रही है तो शिवा का यसीना थारा सामने है। उठा थारी बंदूक ने और सगली गोली शिवा के सीने में दाग दे। पर याद रखियो, शिवा की आखिरी सांस भी प्रेम रो संदेश देवेली। तू यो मौको भी गंवा दियो रे। रुक जाओ, ऐसो मत करो। अपने इष्ट देवता ने याद कर ले। देवगढ़ से घने दुश्मन आया है, आपनों सर भी कटवायो है और झुकायो भी है, पर तू पहलो इंसान है जो अपने दुश्मन रो दिल जीत्यो है। शिबा, मैं थारा प्रस्ताव ना मंजूर करूं। नहीं काका, देवगढ़िया पे भरोसा मत कर, यो हर बार अपने साथ गद्दारी की है, पीठ में चूरो खोपियो है, या का बहकावा में मता काका, वरना तू भी जान से जावेगो। मारी बात मान ले काका, मार डाली ने इका टुकड़े टुकड़े कर डाल। मैं थारी हिम्मत से प्रभावित हुई हूं। अरे जाओ दोनों गांव के घर घर में संदेश दे दो कि आज लालगढ़ और देवगढ़नी की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। हमारे कन्या, मैं तेन आशीर्वाद देना चाहूं। लगा निशाना। शिवा, धोखेबाज, बेईमान, गद्दार। हेलो, हो गई संधि। मैं को नहीं मारू, मैं को नहीं मारू।
गुण मारे ने। गुण मारे ने। जोरावर मारो मारो कोई कसूर को नहीं मारो भाई इके मायने मारो कोई षड्यंत्र को नहीं तरी सुकन यो कोण क्यों मरो पतु को नहीं मर मारो मारो सुकन मैं तो आटे दोस्ती को संदेश ले लायो तो जो थारू दुश्मन वो मारो दुश्मन हाँ मारो दुश्मन चुन चुन कर मारू को ए जोरावर भरोसु को नहीं छुआ पे भरोसु को तो या मारो भाई या मारी लुगाए या दोनों थारे पास रेवेली गिरवी और जब तक मैं भी दुश्मन ने मार को नहीं दू मैं को नहीं आऊंगा अटे मैं पाछो को नहीं आऊंगा और ऐसी मत मारूंगा ऐसी मत मारूंगा जरावर के फिर कोई एक कबीला के साथ दुश्मनी करने की सोच भी कर सके मैं को नहीं छोड़ूंगा जरावर एक एक ने चुन चुन के मारूंगा चुन चुन के मारूंगा चीता मारो भाई मैं जा रही हूं मैं भी लोगों ने समझाया देख मारा बीच में मत बोल जी जो मारा बीच में बोलोगे वही मारो दुश्मन होगा और वो लोग वही क्यों चीता मत रो मारो भाई देख थारी भाभी को ध्यान रख जो ये मारो बचत को सवाल है थारी भाभी को ध्यान रख जो गोरी तुम्हारा इंतजार कर जो थारो शिव लूट के आवे को जरूर आवे को वो जरूर आवे को थारो शिव लूट कर आवे को शिवा
लो छोरी चमक चलो रे मैं हूँ चमक चलो छोरी चमक चलो मैं हूँ चमक चलो छोरी चमक चलो रे मैं हूँ चमक चलो छोरी चमक चलो रे मैं हूँ चमक चलो छोरी चमक चलो मैं हूँ चमक चलो छोरी चमक चलो रे मैं हूँ चमक चलो छोरी चमक चलो जोरावर देख गाय हो जो काका अरे कतरा मना करियो तने की मान जा अरे दगड़ी अरे भरोसा मत कर मत कर मत कर अरे वह गद्दार है गद्दार अरे काका मारी बात पर भरोसा कोनी करियो वह गद्दार जो गड़िया पे भरोसा करियो उनकी सजा मिल गई तने अब तू खुश है अरे मने तकलीफ दे के तू खुश है शिपा शिपा तो गयो कढ़े गयो थई तोने चाबा की इजाजत दी और वो जातो जातो बोल के गयो है कि काका सारा कातिल रो सर काट कर लाऊंगा और इनी खातिर वो अपने भाई और लुगाई ने गिर में रख के गयो थे जानवर ने गोली चलाई थी अरे शिवा जानवर मैं कोड़ी हा जानवर तू है तू जो दुश्मना का तलवा चाटवा चले गयो अरे माने तो घर में घुस गोली मारी है घर में घुस अगर थारी बंदूक की गोली में अतरोही जिगर है तो शिवा के जिगर को चीर के दिखा अरे बहुत दिनासु थारी यह बकवास सुन रिया हा आज थारो यह अरमान भी पूरा कर देगा एक छोरी ने खातिर तूने देवगढ़ी आन ने मिट्टी में मिला दी भाई मैं देवगढ़ की चपते मिट्टी में को नहीं मिलायो बल्कि सदिया पुरानी या दुश्मनी ने खत्म करवा की कोशिश की है जिसे थे लोग ने फिर से हवा दे दी अरे कस समझो के थे लोग कशी मिट्टी के बड़े हो क्यों समझ में कौन आए थारे ये बात सब समझ में आवे है भैया जी छोरी पर मारी नजर थी वी छोरी ने 700 बारे खातिर तूने भाया से बेर मोल लियो तूने देवगढ़ चेहरे पे कालिक पोत दी अरे थारे जैसे भाई का तो टुकड़ा टुकड़ा कर चील कौवा ने खिला देना चाहिए तो ठीक कह रहे हो है बक्कड़ अरे ई के टुकड़ा टुकड़ा करके चील कौवा ना खिला देगा और वो खूबसूरत छोरी का भी बदन का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा हाँ लेकिन लेकिन वी छोरी रा बदन सु जमकर खिलवारे बात Shiva! अकर भैया खत्म कर दे इन्हें आज आ, 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 आ,
अकर मेरे भाई सिपा कट्टर कट्टर तन्ने नहीं छोड़ूंगा। अरे तुझ जैसा कपूत का पैदा होगा सो अच्छा हो तो कि मारा औलाद न होती। अरे हमारा साथ साथ तारा फोर वजह की इज्जत भी तूने मिट्टी में मिला दी। आज तक कोई भी देव गड़िया ने लाल गड़िया का सामना सर नहीं चुकायो, पर तूने मारी बरसा की मेहनत तपस्या और बलिदान में मिट्टी में मिला दी। गलती कर दियो है। अब देवघर के माथे पर लगा कलंक सिर्फ तेरे खून से धुलेगो, सिर्फ तेरे खून से ही धुलेगो। कलंक मुझ में नहीं बापू, कलंक तुझ में है, तेरी सोच में है, जो अपने झूठे अहंकार की वजह से कतरा मासूम लोगों की जान ले वे है। मैं तेरे पहले कहो तो बापू, जो लोग मारे संधि के बीच में भूलोगो पीने में जान से मर दूंगा। और आज आशीर्वाद थारी यह झूठी मकार पापी नगरी में चलाकर हमेशा हमेशा के लिए राख कर देखो। अपने बाप ने मारे को तुम्हारा बाप कोनी, तो हत्यारो है जिसने कई खाने बर्बाद कर दिया, कई मां से भी का बेटा छीन लियो, कई औरता से भी का सुहाग छीन लियो, तुम्हारो बाप नहीं हत्यारो है हत्यारो। अरे दुष्ट, अपने भाइयों ने मारती हो, अपने आदमियों ने लहू लुहान करती हो, अरे पूरा देवगढ़ तक कलंकित करती हो, अब तो बागी हो गया, अब तो भी मरेगा, यह राम की औलाद कौन है बाबू। और एक शब्द और कहो तो धरती मारी सगंध तारा बदल को अतरा टुकड़ा करूंगा, पहचान कर हो सकेगी रेत का जर्रा है या तारा बदल का टुकड़ा, यहाँ के टुकड़े टुकड़े कर दो, खत्म कर दो इन्हें। दूसरा बोलिए कुल को बात नहीं है, ये हराम की औलाद क्यों है? शर्म करो, अपना खून ने मत गाही दे। Thank you.
मैंने छोड़ी बच्चा माँ, ऐसा मत कर माँ, मैं तारे बिना किया जूंगा। हे माँ, हे माँ, माँ, सुन दे माँ। बाबू, हे बाबू। लाल कड़ियों से संधि मत कर जैसे मैं ऐसा मत कर बाबू मत कर ये मारी भाण, लिया मारी भाण, मैं थारो भाई, थारो बड़ो भाई, अरे तने मैं मारा गोदिया में खिलायो, तने बाप जैया पाली हो, चला, आजा मारी भाण, डर मत, मारे सु डर मत, मैं काई को नहीं करूं थारा, आजा मारी भाण, आजा, मारा बीरा, 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 यो काई करो बीरा, छोड़ दो बीरा, यहाँ में एकी कोई गलती कोनी बीरा, मत मारो, अभी कसूर है। थारी वजाऊं, मारा भाई ने मौत के घाट उतरने पड़ी हो, सिर्फ थारी वजाऊं, कि लालगढ़ के माता पे कलंक लागी हो, और जोरावर सिंह लालगढ़ का माता पर कलंक बर्दाश्त को नहीं कर सका। देखो तलवार ला। बीने मत मारो, बीने मत मारो बीरा, बीरा ये बेकसूर है। इतना तांडव करवा के बाद भी थाके कलेजे को शांति कोनी मिली होगी, बड़ा गे सोचे के है अब मने भी खत्म कर दे, तब तो थाके कलेजे को शांति मिलेगी, महाडाल मने भी, ताकि ई समाज ने पतो चले कि एक भाई ऐसा भी है जो अपने अहंकार की खातिर अपनी बहन को भी मार सके हैं।
आगे मार डाल, मने भी मार डाल। धारी बजाओ, सिर्फ धारी बजाओ। मने मारा भाई ने मारा हतासु गोली मारनी पड़ी। सिर्फ थारी बजाओ, सिर्फ थारी बजाओ। आज ही मारा काका की हालत हुई। सिर्फ थारी बजाओ। अरे काय कमी राखी मैथन है? मारा माँ बाप का कातिला का सागे ब्याह रचायो तू, माँ का पीठ पर छुरु घोपियो। अरे काय कसूर करियो मैं? सिर्फ तू है तू। ये सब ये जत्री भी हत्या हुई है, जी की कसूरवार तू है तू। मारी बहन तू है। अरे मारा घर की सौ बड़ी दुश्मन है दुश्मन, और पूरी दुनिया जाने है कि जोरावर सिंह अपना दुश्मना ने कदी माफ को नहीं करे, सिर्फ साफ किया करे है साफ। मेरे माफ कर जे बहन। जोरावर मार भाई थाकी बहन गोरी थाने मारा खून माफ करे। शिबा मने माफ कर जो, मैं तागजात को नहीं थे। गोरी, तू तो अब हमेशा मार साथ थी, मार दुख में मार साथ थी। तारी मौत भारी बोझ गोरी, मारे कांधा को उठा सकी या बोझ उठ सकी। तारा सपना गया, तू गई, भाई गयो, माँ गयो, सब गयो, घरे मारी दुखे गोरी। सके बारी गोरी उठ जा। जोरावर, मैं तो या लोगों ने थारे पास गिरवी छोड़ दिया था, फिर तू या लोगों की जान क्यों ली? थारो के बिगाड़े थे, के कसूर थी को? कसूर? अरे सबसे बड़ा कसूर तो यो है कि ये देवगढ़िया है, और देवगढ़ की धरती पर सांस लेने वालों इंसान तो कई, जानवर भी मारो दुश्मन है दुश्मन, और दुश्मन मारनो कोई पाप नहीं है। सारी दुनिया जाने है कि जोरावर सिंह अपना दुश्मन ने माफ को नहीं करा, सिर्फ साफ किया करे है साफ। जोरावर, यह सदिया पुरानी दुश्मनी ने खत्म करने के वास्ते मैं अपना सब कुछ खो दिया। मारी माँ गई, मारो बाप गयो, मारो भाई गयो, मारी लुगाई गई, फिर भी थारी ये दुश्मनी की आग अगर मारी जाल लेने से ठंडी हो सके तो मैं अपनी जाल देने को तैयार हूं।
बढ़िया दुश्मनी ते खत्म कर दे मरा भाई। अरे मरना तो तने जरूर पड़ोगे सिब्बा, थारे मरने के बाद देवगढ़ के हरेक औरत बच्चा टबरना है, जिंदो को नहीं छोड़ूला। और लालगढ़ और देवगढ़ की जो दुश्मनी है वो जिंदा ही जिंदा है और सदा जिंदा रवेली। जोर मैं समझू तो ये मामलो प्यार से निमट जावेगो, पर नहीं, भूल गए तुम। या जानवर प्यार की भाषा कौन समझे? जानवर तो सिर्फ जानवर होवे, और अब या शिवा थारा बदन का अतरा टुकड़ा करेगो कि फिर कोई देवगढ़ या लालगढ़ की दुश्मनी की सोच भी बाप समझेगो। मारा टुकड़ा करेला? अरे पहले अपनी हालत तो देख, थारी हालत कैया हो रही है। अरे थारा तो टुकड़ा जो है वो चील कौआ भी कोनी खावेला। बीरा जोकुम जा रहे, इन्हें शेर ने दिखा दे थारा जलवो। Ah!
तरे कतरो समझाए तो चोरावर कि मैं दोस्ती चाहूं दुश्मनी को नहीं, पर तू कौन समझो? शिवा तने थारी जान माफ कर सके है बस, या दुश्मनी ने अपना मेला दिल से निकाल दे? मासूम लोगों ने खुली हवा में सांस लेने दे चोरावर, मैं बदले में तने अपनी लुगाई अपना भाई राहुल माफ कर सकूं। थार से दोस्ती करना चाहूं, अब फैसलो थारे हाथ है, तने शिवा की दोस्ती चाहिए या दुश्मनी? ज्यादा कीमती लालगढ़ और देवगढ़ की लोगों की जिंदगियां हैं। मां लोगों ने ये ब्याह इन नफरत ने खत्म करवा के लिए कियो है। गोरी, गोरी, सब कुछ खत्म हो गया, गोरी, सब कुछ खत्म हो गया। ए गोरी, आप इज्जत में तो कुछ मिल सके, पड़ा अगला जन्म में जरूर मिल सकूरी, एक और अगला जन्म में या दुश्मनी कोने वाली, हर जगह प्यार मिलो, फिर से आप शादी हो गई, तू मारी दुल्हन बन दी, थका माका टापर हो वेला, कतरो सपनो सजायो तो, गोरी, मैं तक पास आ रहे हो, गोरी, 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 गोरी शतशस्ती पांडव रचयिता नट राज राज नमो नमः, हे आद्य गुरु शंकर पिता नट राज राज नमो नमः। Wow.
तांडव।